है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं फिर उन प्यारी प्यारी माओ की फरमाइश पे लेके आई हूँ बहुत ही प्यारा सा सिंपल टॉप जिसको हम काफ्तान भी कह सकते हैं। एक्चुअली ये मैं जिस कपड़े का स्टिच कर रही हूँ ये मेरा एक स्कार्फ था बिल्कुल स्क्वायर जिसको हम फोल्ड करके ट्रायंगल बना के स्कार्फ लेते हैं, लेकिन ये बहुत स्लिपरी था, सिल्क का था जो कि मेरे सर पे नहीं ठहरता था। तो ये मैंने एक ही दफ़ा लिया और सोचा कि ये नहीं चल सकता, तो इसलिए मैंने इसका अपनी बेटी का टॉप सिया है काफ्तान, जो कि इतना ईजीली स्टिच हो जाता है कि शायद 8 या 10 मिनट में ये बिल्कुल प्रॉपर तैयार हो गया था। तो ये मैं आज आपके सामने शेयर करूंगी, तो चलें फिर मेरे साथ आप भी देखें कि मैंने उसको कैसे स्टिच किया है। ये वो शिफॉन का स्कार्फ है जिसका मैं आज काफ्तान तैयार करूंगी। हमने करना क्या है कि हमने सबसे पहले कोई भी उसकी टी शर्ट लेनी है जो बेबी को एग्जैक्ट पूरी हो, क्योंकि हमने इसकी लेंथ टी शर्ट के जितनी ही रखनी है। हमने टी शर्ट की लेंथ लेनी है उसके इस तरीके से जैसे मैं ले रही हूँ, उसको ऊपर रख के ले लें या आप साइड से उसका माप ले लें, एंजी टेप से ले लें या वैसे ही मेरी तरह ले लें। इस तरह हमने इसका माप ले लेना है और इसको हमने फोल्ड करके इसकी कटिंग कर लेनी है और साथ ही इसकी नेकलाइन भी काट लेनी है। मैंने इसकी नेकलाइन थोड़ी सी बड़ी काटी है, जैसे कि मैं ये भी माप रही हूँ 4 फिंगर्स बनती हैं टी शर्ट के गले की, यानी कि अगले साइड के गले की, और मैंने जो कपड़ा है उसकी मैंने 7 फिंगर्स रखी हैं क्योंकि मैंने इसके ऊपर फ्रिल लगानी है। और साथ ही आप देख सकते हैं कि मैंने चारों तरफ इसके पीको भी करा लिए और गले पर भी पीको ही करा ली, क्योंकि शिफॉन का कपड़ा हैंडल करना मेरे जैसे बिगनर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है, इसलिए पीको करा लेना ही बेहतर है। आप सिलाई भी लगा सकते हैं या चारों तरफ कोई छोटी छोटी लेस भी लगा सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि पहले कपड़े को आप सेट करके रख लें, कोशिश करें कि किसी कॉटन के कपड़े के ऊपर इसको सेट करें, वरना ये होगा कि ये शिफॉन बहुत ज़्यादा कपड़ा हिलेगा। इसके ऊपर रखनी है हमने टी शर्ट और कोई इसके बाजुओं की कटिंग नहीं होनी, कोई कंधे की कटिंग भी नहीं होनी। और आप देख सकते हैं कि मैंने जो टी शर्ट की बाजू हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा रखा है, क्योंकि जब ये बेबी पहनेगी तो इसकी जो बाजू होंगे वो 3/4 तक आ जाएंगे, तो जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। और इसके बाद हमने फ़िटिंग की सिलाई लगानी है, और फिटिंग की सिलाई कैसे लगानी है, टी शर्ट हमने उसी के ऊपर ही रखनी है और फुल सिलाई फ़िटिंग की नहीं लगेगी, हमने दरमियान में सिलाई लगानी है। मैंने 5 इंच लगाई है, आप अपने बेबी के लिहाज से लगा लें और पहले निशान लगा लेना है और दोनों तरफ इस तरह सिलाइयाँ लगा लेनी है। ये सिलाई लगाने के बाद ही हमारे बाजू भी तैयार हो जाएंगे और साथ ही नीचे से चॉक्स भी रेडी हो जाएंगे। और अब बारी आती है डिज़ाइनिंग की। जो कपड़ा साइड से उतरा था उसके मैंने इस तरीके से स्ट्रिप्स काट ली और दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि मैंने पीको करा ली। और मैंने क्या करना है कि इनके ऊपर अपनी जो मशीन का जो बड़ा टांका करके, या जिसको कहते हैं बखिया भी कहते हैं, बड़ा बखिया करके इसको पहले मैंने सिलाई लगा लेनी है और इसको फिर चुंटें डाल के इसकी मैंने फ्रिल तैयार कर लेनी है काफ़ी बड़ी, जो फ्रिल नीचे पल्लू पे लगेगी और मैं उसको गले पर भी लगाऊंगी। तो चलें फिर मैं इसकी फ्रिल तैयार करके और लगा के आपके सामने वापस आती हूँ। ये लीजिए फ्रेंड्स, मैंने फ्रिल बना के और लगा दी गले पर भी और आगे और पीछे पलुओं पर भी। गले भी आप देख सकते हैं कि मैंने शुरू में भी स्ट्रिप्स छोड़ी है बग़ैर फ्रिल के, और यहाँ दरमियान से लगाना शुरू की है फ्रिल और सारी गले के ऊपर फ्रिल लगाई है, और एंड पे दोबारा मैंने इतना कपड़ा बग़ैर फ्रिल के छोड़ा है, जो कि मैं इसकी यहाँ पे नॉट लगाऊंगी। और आप ये भी देख सकते हैं कि गला मैंने थोड़ा सा बड़ा रखा है, वो इसलिए कि मैं इस ये कपड़ा काफ़ी पतला है, सीन थ्रू है, तो इसके अंदर मैं इनर शर्ट भी पहनाऊंगी जो कि मैं बेबी पिंक कलर की पहनाऊंगी, या कोई भी आप फैंसी शर्ट भी रख सकते हैं। और उस इनर शर्ट का गला इसके ऊपर से यूँ नज़र आएगा जो कि बहुत अच्छा लुक देगा। और साथ ही आप देख रहे होंगे कि मैंने निशान लगा के इसकी फ़िटिंग की सिलाई भी लगा ली। और अब मैं थोड़ा सा इसको और डिज़ाइन करूँगी, और वो मैं कैसे करूँगी वो मैं आपको बताती हूँ, और इसके बाद मैं आपको हैंग करके इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाऊँगी। आप मेरे हाथों में ये 2 बटरफ्लाइज देख रहे हैं, ये एक्चुअली 2 हेयर पिन्स हैं, ये देखें। और ये मैंने क्या करना है, इनमें से एक मैंने एज अ ब्रोश सामने लगाऊँगी शर्ट के सुई के साथ, पहले चिपका लूँगी और फिर मैं उसको यूं लगा लूँगी, और एक जो है वो मेरी बेटी अपने सर पे लगाएगी। इस तरह उसकी मैचिंग भी हो जाएगी और डिज़ाइनिंग भी हो जाएगी। तो ये देखें, ये रही इसकी फ़ाइनल लुक। आप देख सकते हैं कि ये कितनी
खूबसूरत लग रही है, पहन के ये और भी ज़्यादा प्यारी लगेगी। और ये पिंक कलर की टाइट है जो मैं इसके साथ पहनाऊंगी, जो इसके इनर शर्ट के साथ मैचिंग कर रही है। आप देख सकते हैं कि इसकी इनर शर्ट भी मैंने बेबी पिंक कलर की रखी है, जो कि टाइट के साथ मैचिंग होके बहुत अच्छा लुक दे रही है। आपने देखा कि मैंने इसको कितनी आसानी से स्टिच कर लिया, और ये वो पिन है जो मेरी बेटी सर पे लगाएगी, और ये ब्रोश मैंने यहाँ पे लगा दिया, और इसके साथ ये वाली वो टाइट पहनेगी। ये मैं उसे पहनाऊंगी ईद के दूसरे दिन। आप भी इस तरह का जरूर स्टिच कीजिएगा। और मैं एक और बात भी आपको बताती चलूँ, बिल्कुल इसी तरह का आप अपना कोई भी अगर पुराना दुपट्टा पड़ा हुआ है, हम लोग प्योर के दुपट्टे या जो सिल्क के दुपट्टे यूज में नहीं आते ज्यादा, तो आप उसका भी इस तरह से काफ्तान सी सकते हैं या टॉप सी सकते हैं। आप बहुत अच्छा लगेगा और बहुत आसानी से स्टिच भी हो जाता है। तो अजानें भी शुरू हो गई हैं, तो मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।